फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ सर्दियों के लिए एकदम परफेक्ट और बहुत ही टेस्टी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। नॉर्मली इसे बनाना बहुत ज़्यादा टफ होता है, लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ इसका बहुत ही इजी वे शेयर करूँगी, जो यकीनन आपने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। तो चलिए झटपट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं कल्पना माहेश्वरी अपने चैनल माहेश्वरी रसोई में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जबरदस्त रेसिपी को बनाने के लिए हमें जरूरत होगी आलूओं की, और इसके लिए आपको ना आलूओं को उबालना है ना उसे कद्दूकस करना है। बस जैसे ही मार्केट से आलू आए, आप उसे डायरेक्ट उठाइए और इस तरीके से उसे अच्छे से छील लीजिए। तो देखा ना आपने कितना सारा आपका समय बचेगा, क्योंकि आलू उबालने में, उसे ठंडा करने में और उसके बाद कद्दूकस करने में काफ़ी सारा समय जाता है। और ये लीजिए, आलू छिल गए और इसे मैंने अच्छे से 2-3 पानी से वॉश कर लिया। उसके बाद मैंने ले लिया एक मिक्सी का जार और इसमें हम डाल देंगे 1 इंच जितना अदरक का टुकड़ा, और इसे रफली सा बस ऐसे ही कट कर लेते हैं। उसके बाद 2-3 हरी मिर्ची ले ली हैं, उन्हें भी काट लिया। अगर आप तीखा ज़्यादा खाते हैं तो मिर्चें थोड़ी सी ज़्यादा कर दें, और इन दोनों को एक बार हल्का सा चर्न कर लिया। उसके बाद हम डाल देते हैं इसमें वो आलू जिसे हमने छील के रखा था। और इसके लिए भी कोई इशू नहीं है कि आपको छोटे टुकड़े करने हैं या बड़े टुकड़े करने हैं, आप रफली बस जिसे भी आपका मन करे आप आलूओं को कट कर दीजिए। और ये लीजिए, आलू हमारे कट कर तैयार हैं। मिक्सी का ढक्कन लगाया और हम इसे बिल्कुल पेस्ट बना लेंगे। और देखिए, आलूओं का एकदम फाइन सा पेस्ट बनकर तैयार हो गया है, और इसमें आलू का कोई मोटा टुकड़ा नहीं रहना चाहिए। तो चलिए अब बनते हैं कचौड़ी बनाने के प्रोसेस की तरफ। उसके लिए गैस ऑन करी और उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल दिया है। सरसों का तेल स्मोकिंग पॉइंट तक गर्म हुआ, गैस का फ्लेम ऑफ किया और इसे कर लेते हैं हल्का सा कूल डाउन। और ये देखिए, तेल हल्का सा कूल डाउन हुआ, गैस का फ्लेम वापस से ऑन किया और इसमें डाला 1/2 टीस्पून जीरा, और साथ ही डाल दी 1/2 टीस्पून जितनी राई। और अगर फ्रेंड्स आपको अजवाइन पसंद है, आप अजवाइन भी डाल सकते हैं। और अगर आपको करी पत्ते का फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा पसंद है तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और उसके बाद हम डाल देंगे इसमें 3 कप जितना पानी, ये पहले 1 कप गया, और साथ ही हम डाल देंगे 1 और कप पानी, ये हुआ 2 कप, और ये हो गए 3 कप। बस मेजरमेंट के लिए आप अपने घर में कोई भी कप, कटोरी, ग्लास कुछ भी जरूर सेट कर ले। और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे वो पीसे हुए आलू, और आलू को पकने में बहुत ही कम समय लगेगा। आप देखेंगे बिल्कुल मिनटों में आपके जो आलू हैं वो काफी गाढ़े से होने लगेंगे और अच्छे से पक भी जाएंगे। तो चलिए, इसे 1 से 1.5 मिनट पकाया और इसमें डाल दिया खूब सारा हरा धनिया। आप चाहें तो इसमें मेथी डाल सकते हैं, पुदीना डाल सकते हैं, करी पत्ता डाल सकते हैं। और ये गया टेस्ट के हिसाब से नमक, बहुत ही बेसिक से मसाले गिनने हैं, 1/2 टीस्पून लाल मिर्चे, और 1/4 टीस्पून जितना डाल दिया हल्दी पाउडर। सबको एक साथ बढ़िया सा मिक्स कर लेंगे। इन कचौड़ियों को बनाना बहुत ही आसान है, साथ ही खाने में बहुत ही अच्छा टेस्ट करती है। और हम बनाएंगे इसे मक्के के आटे के साथ। हमने 3 कप जितना पानी लिया था और उस रेशियो से हम इसमें 1.5 कप मक्के का आटा लेंगे। नॉर्मल आटा है, ना बहुत ज़्यादा मोटा है और ना बहुत ही ज़्यादा बारीक है। ये लीजिए, 1.5 कप आटा भी गया, और इसके बाद दोनों को अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। और फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि पानी उबलने के बाद आपको सिर्फ 2 से 3 मिनट लगेंगे और ये बहुत ही परफेक्ट डो की कंसिस्टेंसी में आने लगेगा। अब देखिए, लगातार चलाते हुए काफ़ी गाढ़ा सा हो गया है। तो चलिए, करीब बस 1 मिनट और पकाएंगे और 1 मिनट में ये परफेक्ट पककर तैयार हो जाएगा। और ये लीजिए, हमारा डो एकदम परफेक्ट तैयार हो गया है। और देखिए, इसने पैन को पूरी तरीके से छोड़ दिया है, परफेक्ट स्टेज है कि आप गैस का फ्लेम ऑफ कर दें और इसे कर लें पूरी तरीके से कूल डाउन। फ्रेंड्स, कई बार मक्का की क्वालिटी या आलू की क्वालिटी के ऊपर हो सकता है कि आपका डो थोड़ा सा गीला रह जाए, तो इस स्टेज में आप एक काम कर सकते हैं कि आप इसमें थोड़ा सा मक्के का आटा, आप चाहें तो नॉर्मल गेहूं का आटा मिला सकते हैं। और ये बिल्कुल अच्छा सा ठंडा हो गया, तो इसे एक काउंटर टॉप पर ले लिया और इसे अच्छा सा मसल लिया जिससे काफ़ी स्मूथ सा हो जाएगा।
उसके बाद जैसे कि हम नॉर्मल और पूड़ियाँ या कचौड़ियाँ बनाते हैं बिल्कुल उतने ही हम इसके इस तरीके से बॉल तैयार कर लेंगे। और ये लीजिए, मैंने कुछ बॉल बनाकर तैयार कर लिए हैं। और मैंने कहा ना, इसे बेलने का भी कोई झंझट नहीं है, तो बेलने के लिए हमें बेलन वगैरह की ज़रूरत नहीं है। बस एक पॉलीथीन शीट ली, उसके ऊपर एक बॉल रखा, दूसरी पॉलीथीन से कवर किया और हाथ से प्रेस करते हुए इस तरीके से हम इसे फैला देंगे। बस फ्रेंड्स, आपको एक ही बात का ध्यान रखते हैं कि आप इसे पूड़ी या रोटी पराठे की तरह उतना पतला ना बेल दें, वरना ये बहुत ज़्यादा ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। इसे आप कचौड़ी के तरीके से थोड़ा सा मोटा रखें तो आपकी बहुत ही परफेक्ट कचौड़ियाँ बनकर तैयार होंगी। और ये लिए एक तैयार हुई, इसी तरीके से कुछ और बना लेते हैं। और इसी बीच मैंने ऑयल को भी गर्म कर लिया है, क्योंकि हमें इसके लिए ज़रूरत होगी मीडियम गर्म ऑयल की। और देखा ना आपने, बनाना कितना आसान है, ना आलू उबालने का झंझट, ना ठंडा करने का, ना कद्दूकस करने का, और यहाँ तक कि आपको बेलने का भी कोई झंझट नहीं करना है। और ये लीजिए, हमारी कुछ कचौड़ियाँ भी बनकर तैयार हो गई हैं, तो चलिए अब इन्हें सेक लेते हैं। सेकने के लिए मैंने कुकिंग ऑयल पहले से ही गर्म कर लिया है, तो एक एक करके हम ये कचौड़ियाँ इसमें डालते जाएंगे। एक बारी में आप जितनी भी आराम से सेक सकें आप उतनी डालिए। मैं एक ही बार में इसमें 4 से 5 कचौड़ियाँ डाल दूंगी। अगर आपने ऑयल कम डाला हुआ है तो आप थोड़ी सी कम कचौड़ियाँ डालिए। और आप जैसे देखेंगे, देखते देखते हमारी कचौड़ियाँ एकदम गुब्बारे की तरह फूलना स्टार्ट कर देंगी। नॉर्मल प्रोसेस से जब हम मक्का आलू की कचौड़ियाँ बनाते हैं तो उसे बनाना काफ़ी कठिन भी होता है, साथ ही उतनी अच्छी भी बनकर तैयार नहीं होती। तो देखा ना आपने, बहुत ही इजी वे है। तो इस सर्दी आप इस तरीके से ये कचौड़ियों की रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। और अगर आप लोगों की कचौड़ियाँ बढ़िया बने तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इन कचौड़ियों को सेकने के लिए आप थोड़ा सा ज़्यादा समय दें, जिससे कचौड़ियों की ऊपरी लेयर एकदम क्रिस्पी हो जाएगी और अंदर से कचौड़ियाँ रहेंगी एकदम सॉफ्ट। देखिए क्या खूबसूरत कलर आया है। तो चलिए डिश आउट भी कर लेते हैं। और लीजिए, हमारी ये मक्का आलू की बहुत ही डिफरेंट तरीके से पर बहुत ही टेस्टी कचौड़ियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। लुक से या टेस्ट से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है, लेकिन कचौड़ी बनाने का जो तरीका था वो काफ़ी डिफरेंट था। आप चाहें तो इसे आलू की सब्जी के साथ, दही के साथ, आम के अचार के साथ, हरी धनिया की चटनी, टमाटो केचप या चाय किसी के साथ भी सर्व कीजिए। ये कचौड़ियाँ काफ़ी देर तक एकदम फ्रेश जैसी लगती हैं और बहुत ही टेस्टी लगती हैं। आप चाहें तो इसे लंच में बनाएं, ब्रंच में बनाएं, डिनर, ब्रेकफास्ट कभी भी बना सकते हैं। उम्मीद है रेसिपी आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर आप वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।